સિમ્ફોનિક નામક સંગીત ચાહકોનું ગ્રુપ જેના સ્થાપક મુના જોશી છે. જોશી સ્થાપિત મુંબઈ મુંડલની સુવિખ્યાત મોહમ્મદ રફી ફેન ક્લબ છેલ્લા 6 વર્ષથી પાર્શ્વ ગાયક મોહમ્મદ રફીકના જ કાર્યક્રમોનું આયોજન સદભાવનાથી કરવામાં આવે છે. ક્લબ માત્ર મોહમ્મદ રફીના ચાહક વર્ગના આમંત્રિત મહેમાનો અને સભ્યો માટે સંગીત તાલીમના કાર્યક્રમો મોહમ્મદ રફીના જન્મ અને પુણ્યતિથિના દિવસોએ કરી, જેમાં માત્ર અને માત્ર રફી સાહેબને કંઠે ગવાયેલા સોલો અને ડુએટ ગીતો જ રજૂ કરવામાં આવે છે. આવો જ એક કાર્યક્રમ સેલવાસની ટ્રીટ રિસોર્ટમાં આયોજિત કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં સિનિયર સિટીઝનો, ડોક્ટર, બિલ્ડરો, ઉદ્યોગપતિ, નાટ્ય કલાકારો ભાગ લઈ પોતાના સુરીલા અવાજ વડે રસપાન કરાવી પોતાના વાલા ગાયકને શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી. હમ યાદો કે દીપ જલાય ઓર આંસુ કે ફૂલ ચઢાય 31 જુલાઈ સંગીત સમ્રાટની પુણ્યતિથિ છે. મોહમ્મદ રફીએ ફિલ્મી ઇન્ડસ્ટ્રીના તમામ નાયકોને પોતાનો કંઠ આપનાર રફી સાહેબે ભિન્ન અંદાજમાં હિટ ગીતો ગાઈ લોકોના હૃદયમાં સ્થાન પામ્યા. આમ એક અનોખો આયોજન વડે મોહમ્મદ રફીના અવાજને લોકો સુધી લઈ જઈ અમને વિનમ્ર શ્રદ્ધાંજલિ આપી છે. કાર્યક્રમના કન્વીનર હરીશ ખંભારિયાના જણાવ્યા અનુસાર આવા કાર્યક્રમો આયોજિત કરી અમુક સંગીત વડે એક નવી ઉર્જા પ્રાપ્ત કરી ખુશ ખુશાલ રહીએ છીએ. મુકુલ યાદવ, ZS TV, સેલવાસ. रफ़ी जी के बारे में जितना कहें उतना कम है. उनकी आवाज़ में जो मिठास है, जो एक ताल, जो एक सुर, हर एक एक्टर उनकी आवाज़ में वो ढल जाते थे. अगर रफ़ी साहब एक कोई गाना सुनाते थे, उनका गाना हमको सुनने में आता है, तो पता चल जाता है कि कौन से एक्टर पे ये फिल्माया गया है. शम्मी कपूर हो तो उस लय में वो मस्ती, राजेंद्र कुमार हो तो वो रोमांटिक, वैसे सारे मूड्स रफ़ी साहब बहुत अच्छे से निभा सकते थे. हम कोशिश यही करते हैं हमारे ग्रुप में कि रफ़ी साहब की थोड़ी सी छोटी सी अगर उनकी गुण हमारे स्टूडेंट्स में मैं डाल सकूं, उनकी गायकी की थोड़ी सी उनको मैं सिखा सकूं, जितनी मेरी नॉलेज है वो अगर मैं उनकी तरफ बाँट सकूँ, तो मैं ये अपना बहुत बहुत गुड लक समझती हूँ. रफ़ी साहब के लिए हम ये प्रोग्राम इसलिए करते हैं कि हम सब रफ़ी के बहुत बहुत बड़े फ़ैन हैं. यहाँ पर बहुत सारे क्लब्स हैं, सब कुछ है, लेकिन हमारा सिम्फनी का परिवार जो है, रफ़ी साहब के लिए हम लोग बहुत दिल में श्रद्धा और सच्चाई के साथ उनको श्रद्धांजलि देते हैं. देखो जी, बात ऐसी है कि इस ग्रुप में जो मैं जो महसूस करता हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि एक किसी को एक लिमिट मिल जाती है ना, तो वो जो लिमिट जो है ना, कहाँ पे हमने पहुँचना है, कैसे क्या करना है, कौन सी मूड में गाना है, कहाँ नीचे गाना है, कहाँ ऊपर गाना है, उसके लिए मैं पूरा श्रेय जो है मेरी टीचर मोना जोशी को दूंगा. इनकी डायरेक्शन के हिसाब से ही हम गाना गाते हैं, इनके डायरेक्शन के हिसाब से ही हम, इनफैक्ट हमारी लाइफ चेंज हो गई है. जिसको कहते हैं ना, हमको एक छोटी सी लाइफ लाइन दे दी है इन्होंने, हमको एक लाइफ लाइन दे दी आगे जीने की तमन्ना. मैं अभी एक रिटायर्ड बंदा हूँ, तो मैंने अभी आगे क्या करना है, तो ये आगे का जो रास्ता जो है ना, वो हमारी गुरु मोना जोशी ने बताया. बस यही मैं कहना चाहता हूँ. उनके गाने में क्या ऐसी बात है जो आप उनको याद करते हैं सर? जी, रफ़ी साहब का ये पुण्यतिथि आप कह सकते हैं कि एक सदी पूर्ण होने वाली है. वो जब 31 जुलाई 1980 में उनका देहांत हुआ, और जब वो 55 साल के थे,
उनके बाद में हर एक साल अभी करीब 93 इयर्स के वो अगर होते अगर ये उनकी सदी गिनी जाती है 100 साल उसके पूरे होने वाले हैं। तो हम ये 2014 में हमारा सिम्फनी ग्रुप की जो स्थापना हुई और हम इसमें अलग अलग फील्ड से हमारे जो हम मुलुंड मुंबई में रहते हैं हमारी गुरुजी हैं मोहना अजय जोशी वो ये ग्रुप चलाती है, मैं उनका कन्वीनर हूँ हरीश कुंबड़िया। तो इसमें अलग अलग फील्ड के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, गाने की एक उनकी कोई भी लेवल पर मतलब स्टार्टिंग से उनकी सीखने की जो तमन्ना है वो यहाँ पर लेकर आते हैं और कोई भी स्टेज पर उनको सिखाने के लिए मोना जोशी जो मेहनत करती हैं तो उनको ये नहीं लगता मतलब कि स्टार्टिंग से कोई हर किस्म के जो उम्र के होते हैं ऐसा नहीं होता कि सारे गामा पादा निशा ऐसा सीखे, लेकिन उनको जो गाने की एक तमन्ना है उनको जो जोश है उसको पूर्ण करने के लिए और एक कुछ हद तक वो स्टेज पर आके पब्लिक के सामने वो प्रॉपरली गा सके उतने के लिए तब तक ये मोहना जी उनको तैयार करती हैं। तो ये हम हर साल यही जुलाई में हम लोग एक पिकनिक का आयोजन करते हैं, कभी मुलुंड से हम लोग कोई भी 100-150 किलोमीटर पे एक अच्छा सा स्पॉट ढूंढ के हम 2 दिन वहीं पर रह के